ये क्या हो रहा है आपके? ये क्या हुआ? आप देख रहे हैं, मैं ट्रेन में बैठी हुई हूँ एक्सप्रेस में, लेकिन अभी ना ये एक्सप्रेस आपको लेकर चलने वाली है नजर सीरियल के सेट पर। सुना है अंश और पिया अपने लिए पति पत्नी ढूंढ रहे। अरे पूरी दुनिया को पता है दोनों शादीशुदा हैं, फिर ये पति पत्नी क्यों ढूंढ रहे हैं अपने लिए? Hi Natasha, sorry for my introduction for you. Well done, sir, right? आपका नाम क्या है? सुनैना। तुम्हारा मुझे सुनैना। अरे अरे भाई, ये क्या गोलमाल हो रहा है? पति पत्नी के लिए पति पत्नी ढूंढे जा रहे हैं। वंश अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो पिया मैडम अपने लिए सही लड़के की खोज में जुटी हैं। आपका नाम क्या है? मतलब एक तरफ स्वयंवर और दूसरी तरफ स्वयं वधु ढूंढी जा रही है, लेकिन पिया और अंश आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप ये समझें, उससे पहले जरा अंश और पिया की ये लड़ाई देखिए। जब हमारे बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो तुम्हें इस शादी से क्या प्रॉब्लम हो रही है? उनका बचपन ट्रॉमेटाइज्ड है। हर माँ अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइसेस करती है। हर माँ नहीं करती है पिया। करो तुम दोनों। हमने मोहना को ऐसा बताया कि पिया ये घर छोड़कर चली गई है 5 साल पहले ही, और अब वो अंश की बीवी नहीं है, और इसी वजह से मोहना अंश की शादी करवाना चाहती है। पर एट द सेम टाइम पिया जो है वो विषारिका बन चुकी है, और पिया नहीं चाहती कि ये शादी हो, इसीलिए अब ड्रामा पे ड्रामा होते जा रहा है। और जो स्वयं वधु जो है, जो मोहना ने रचा है अंश के लिए, उसके साथ साथ एक स्वयंवर भी होगा पिया के लिए। ये सारा नाटक मोहना को जाल में फंसाने के लिए रचा गया है, क्योंकि राठौर परिवार नहीं चाहता कि मोहना को अपनी शक्तियाँ वापस याद आए, इसलिए मैडम को जड़ी बूटी वाला पानी पिलाया जा रहा है। वैसे रियल लाइफ में हमारे अंश को कैसी वधु चाहिए, ये भी जान लेते हैं। फिलहाल तो मुझे कोई लड़की का इंतजार नहीं है, क्योंकि फिलहाल मेरा जो वक्त है, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो काम है, तो मैं उसी में बिजी हूँ। जी हाँ, आप मन लगाकर काम कीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि मोहना आपके जाल में फंसने वाली है। मैडम को काफी कुछ याद आ रहा है, और रही बात पिया की, तो वो भी आपसे दूर रहने की बात से ही लड़ाई कर रही है। मुंबई से नम्रता दुबे की रिपोर्ट। Thank you.